जय हिंद। जैसा आप सभी लोगों से बोला था कि मैं BSF का जो RORM का रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का है, मैं उसका आपको कट ऑफ को पूरे डिटेल में बताऊंगा कब कैसे क्या हुआ। और OBC वाला जो कैटेगरी का आपको बताया हूँ ना कि OBC कैटेगरी को आप ध्यान में रखिएगा, OBC कैटेगरी में मत भरिएगा। जो रीजन बताया था, अगर आपका ओवर एज है तो आप भर सकते हैं, यानी कि मतलब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आ रहे हैं अनरिजर्व के, तो आप OBC में जा सकते हैं। अगर आप OBC से नहीं है तो फिर आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। तब मतलब कि जो लोग OBC में थे, मैं उनके लिए बताया था कि आप OBC के बजाय आप अनरिजर्व में, उसका बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बात होगा कट ऑफ का, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का, यानी प्रीवियस ईयर क्या 2022 का नोटिफिकेशन था, 2023 में आपका उसका रिजल्ट आ गया था, जिसको कि मैं पूरा नोट डाउन करके लाया हूँ। और इसका मैं प्रॉपर क्या करूंगा कि टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है पूरा, यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ, पूरा मोबाइल में है सब कुछ, सारा डिटेल में लिख करके लाया हूं। तो चलिए आपको बताता हूं। तो कट ऑफ क्या था ना, कि असल में मैं क्यों इतना इतना बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि आप OBC में मत जाइएगा, इसमें जाइएगा, उसमें जाइएगा, क्योंकि क्यों, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा फुल प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ। और मैं भी अपने को अपना यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो 2022 की वैकेंसी थी ना, अभी ये जो RORM का 2023 का आया, अभी मैं आपको अपलोड किया था वीडियो कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया ये 2023 की रिगार्डिंग। अब फिर से मैं तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, पूरा जी जान से लगे। जो लोग मिनिस्ट्रियल में भरे, मिनिस्ट्रियल में भी लगे रहिए, इधर के लिए अगर आप एलिजिबल है, आपका हाई ट्वीट सब कुछ है, तो आप इधर भी एलिजिबल हैं, तो इधर भी पूरे अच्छे तरीके से लगे रहिए, ठीक है। तो आपका जो 2022 का नोटिफिकेशन को थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, 2000 जो लोग जिन लोगों को नहीं पता था कि भैया देखिए 2022 में आपका नोटिफिकेशन आया था, जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था, फॉर्म फिलिंग आपका 20/8/2022 से 19/9/2022 तक चला था फॉर्म फिलिंग। अब इसके बाद मैं आपको वैकेंसी बता दे रहा हूं, कितना वैकेंसी था, जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का था। रेडियो ऑपरेटर में क्या था, स्किल टेस्ट था, जिसमें 50 मार्क्स आपको और मिलने थे, 200+50 यानी 250 मार्क्स का। इसमें क्या था कि आपका डिक्टेशन वाला था, तो उसमें कितना पूरा वैकेंसी थी, 982 वैकेंसी थी, जिसमें से 929 लोग सेलेक्ट हुए थे। और जो वैकेंसीज बची थी उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया आपका 2023 में, जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और रेडियो मैकेनिक का RM का 330 वैकेंसी पूरी थी, जो कि 330 वैकेंसी पूरी भर चुकी है। एग्जाम कब हुआ था, एग्जाम आपका 20/11/2022 को, देखिए एग्जाम का, देखिए 20/11/2022 को, मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि इसका एग्जाम का क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, हर एक पार्ट में बनते आएगा। एग्जाम के बाद आप आ जाइए स्किल टेस्ट पे, PET PST इन सब पे आ जाइए। तो आपको 16/1/2023 में PET हो गया था, PET PST स्किल टेस्ट। मेडिकल के लिए आ जाइए 15/2/15 Feb 2023 को हो गया था। और फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गया 12/4/2023 को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। आज आपका 27 अप्रैल है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा दिन बाद में, एक दो दिन बाद में मिलेगा। तो यही है फिलहाल। अब इसका जो कट ऑफ था, कट ऑफ का जो मेन आप, या तो अभी मैं बता दिया आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि कैसे क्या था ये वैकेंसी को, थोड़ा आपका माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे था। तो अब इसमें जो कट ऑफ है ना, देखिए मेरे पास, मैं मोबाइल में लेकर के आया हूँ, यहाँ पे है मेरे पास। तो डायरेक्ट एंट्री, यानी कि जो नॉर्मल लोग हम लोग जाते हैं, इन लोगों का क्या था, HCRO आपके, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा, जो अनरिजर्व का था रेडियो ऑपरेटर का 94.25, EWS का 76 मार्क्स, सिर्फ 76 मार्क्स, OBC का वैकेंसी नहीं था, और SC का 69.5, ST का 66। अब यह हो गया आपका RO का। अब आप RM का देख लीजिए, UR का 103.5, EWS का 95.5, OBC का, यही बता रहा था आपसे, 118, और SC का 66, ST का 66। तो आप देख लीजिए आपको क्या बता रहा था, UR का और OBC का 103.5 और OBC का 118। इसीलिए आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि OBC में मत जाइएगा। जो लोग ITBP में भर दिए हैं, अब क्या करोगे, अब उसमें फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। ITBP का भी वीडियो बना दूंगा, किसका, कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल का, यही पंगा है, इसीलिए आपसे मैं कह रहा था, ठीक है। कंपेंसिनेट वाले यह सब में लिस्ट आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, नेशनल कोबरा कैडेट्स, और मेल ID क्या है, nationalcobracadets@gmail.com, और यह मैं पूरा PDF भैया आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यह क्वेश्चन पेपर जो मेरे हाथ में है ना,
क्वेश्चन पेपर को भी मैं आपको इस पे लिखा हुआ हूँ, पूरा एनालिसिस किया था। यह क्वेश्चन पेपर को भी मैं टेलीग्राम में सेंड कर दिया और पिन कर दूंगा, आप जाकर के वहां से फिर से डाउनलोड करके और तैयारी भी अच्छे से करिएगा। वैकेंसी नहीं आएगी हमेशा, बस दबा के तैयारी करिए। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।